नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के बारे में जो कि सेबी ने पकड़ा है। और ये स्टॉक मार्केट फ्रॉड जो चल रहा था वो सीएनबीसी आवाज टीवी पर चल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज है कि रेगुलेटर सेबी ऑन वेडनेसडे बेंड सीएनबीसी आवाज शो होस्ट, इसका जो होस्ट था स्टॉक 2020 का, स्टॉक 2020 को शो को जो होस्ट करते थे हेमंत घई जी, उनके वाइफ को और उनके मदर को पूरे स्टॉक मार्केट छोड़िए पूरे कैपिटल मार्केट से ही बैन कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कई सारे फ्रॉड चलते रहते हैं, आपको जो है पूरी तरह से स्टॉक जो इसमें लिक्विडिटी कम होती है वो स्टॉक आपको बताया जाएगा कि ये स्टॉक इतना रिटर्न देगा, और बताने से पहले वो उस स्टॉक को बाय करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो पहले से उस स्टॉक को सेल करके रखते हैं और फिर आपको रिकमेंडेशन देते हैं। जब आप जैसे आपको रिकमेंडेशन दिया तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड स्टॉक का बढ़ता है तो शेयर का प्राइस क्या करता है, ऊपर मूव करता है, क्योंकि वहाँ सप्लाई उतना मिलता नहीं है स्टॉक का। और इसी को पकड़ा है सेबी ने कि जिस स्टॉक में ये रिकमेंडेशन करते थे एक दिन पहले उस स्टॉक को बाय करके ही रखते थे अपने वाइफ के और अपने अदर है उसके अकाउंट में। तो देखिए यहाँ हम नीचे चलते हैं तो ये जो फ्रॉड है ये 2.95 करोड़ का है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है 1 जनवरी 2019 से चल रहा था और 31 मई 2020 तक ये चला है, मतलब इसके बीच का ये फ्रॉड है। और इस बीच उन्होंने 2.95 करोड़ अर्न किया, यहाँ पर देख लीजिए 2.95 करोड़ कैरिंग आउट फ्रॉडेंटल ट्रेडिंग। और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ हेमंत घई वाइफ एंड मदर वन डे प्रेयर टू द डे ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द शो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज द ट्रेडिंग अकाउंट्स, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो परचेज करके रख देते थे मदर और वाइफ के अकाउंट में एक दिन पहले जो रिकमेंडेशन होता था स्टॉक 2020 शो में, उस एक दिन पहले वो बाय करके रख लेते थे। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक मार्केट फ्रॉड चलते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे पैनी शेयर्स होते हैं जिसमें देखेगा लिक्विडिटी कम होता है तो वो देखेगा 5% सर्किट के साथ 50% 100% तक का रिटर्न देता है, 200% यहाँ की 300% तक का रिटर्न दे देता है, उसके बाद वो स्टॉक वहाँ से काफ़ी ज्यादा क्रेश हो जाता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं जैसे प्राइस काफी ऊपर जाता है, काफी रिकमेंडेशन उनको मिलता है तो वो उसमें बुलिश हो जाते हैं और बाय करते हैं, और हायर प्राइस पर फिर जब उसमें लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो वो उसमें फंसे रह जाते हैं और अपना पूरा कैपिटल लूज कर लेते हैं। वो सारा प्रॉफिट ले गया कौन, तो यही हेमंत घई जैसे जैसे लोग जो कि रिकमेंडेशन आपको करते हैं और आप उसमें काफी एग्रेसिव बाइंग करते हैं, काफी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, जैसे हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, इसका फंडामेंटल्स ये है और चार्ट पे ये बता रहा है यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस लेवल पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, और हम जो स्टॉक आपको बताते हैं वो उसके फंडामेंटल्स और उसका जो टेक्निकल चार्ट बताता है वो सारा एनालिसिस बताता है। उसके बाद आप खुद अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। जैसे तैसे आप जाएंगे तो ये टीवी शो देख करके तो आपको इसी तरह से फंसाया जाएगा। और पहले जब नए में आते हैं तो बिगिनर्स लोग काफ़ी गलती करते हैं, ये हमने भी किया था। अशोक लेलैंड 165 रुपीज़ पर मैंने उसे बाय किया था और वो स्टॉक वहाँ से जब बाय किया तो थोड़े दिन तक ऊपर गया 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, ये 2018 की बात है। उसके बाद लगातार वो स्टॉक गिरता गया और 2020 के मार्च में आपने देखा था अशोक लेलैंड 36 रुपीज़ तक आ चुका था और वो हमारे अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है। हमने उसको एवरेज किया था 125 रुपीज़ पर, वो अभी भी मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब मैं अशोक लेलैंड को एवरेज किया तो वो 125 रुपीज़ पर अभी मेरे अकाउंट में, और अभी उसका प्राइस जो हाई गया था वो लगभग 125 रीच कर चुका था, लेकिन अभी 119 रुपीज़ पे है। जैसे 125 के ऊपर जाएगा तो हम उसे बेचकर निकल जाएंगे। तो सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी मतलब करेक्शन हो रहा था कई सालों से, लेकिन हम उस समय स्टॉक मार्केट में नए थे, लेकिन उस पर काफ़ी बुलिश टीवी शो पर बताया जा रहा था, जी न्यूज़ पर, सीएनबीसी आवाज़ पर, मैंने बाय किया और वो स्टॉक वहाँ से लगातार नीचे तक चलता गया और 165 पर जिसको खरीदा मैंने वो मात्र 36 रुपीज़ में स्टॉक आ चुका था। तो दोस्तों इस तरह से होता है, जब तक आप अच्छे एनालिसिस से नहीं बाय करेंगे, जैसे मैं काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको बताता हूँ, अच्छे प्राइस लेवल पर बताता हूँ जो आपको बाय करनी चाहिए, नहीं तो हमने तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड किया तो वो अभी फिर से प्राइस लेवल पर पहुँच चुका है, अब मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। तो इसी तरह से टीवी शो से देख करके सिर्फ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से लर्निंग लीजिए। जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आते हैं वो बताते हैं किस तरह के स्टॉक में बाय करना चाहिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आगे आपको बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारे जो व्यू बताते हैं इस व्यू को आप लीजिए और सीखिए।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको स्टॉक मार्केट से अगर कमाना है तो खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। सीखने के लिए जहां से भी मिलता है सीखते जाइए, लेकिन अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।